करवा चौथ आ रहा है और मेरा तो पहला करवा चौथ है, 10 ही दिन बचे हैं, तो मैंने सोचा 10 डेज वेट लॉस चैलेंज करती हूँ, थोड़ा जल्दी वाला वेट कम करते हैं इस बार। तो ये है मेरा डे 0। आज मैं ऐसे कोई स्पेसिफिक डाइट फॉलो नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान से खाने की कोशिश कर रही हूँ। सो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एक ग्लास पानी पीने के बाद मैं एप्पल खा रही हूँ अच्छे से। एप्पल मैंने 1.5 एप्पल्स खा लिए हैं, तो काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट वाला जैसा पेट भर गया। फिर लेकिन थोड़ा ढोकला रखा हुआ था घर में, तो फिर मैंने सोचा 2 छोटे छोटे पीस ढोकले के खा लेती हूँ। वैसे भी ढोकला बहुत हेल्दी होता है और एक तरीके से मेरा प्रॉपर नाश्ता हो गया। देन फिर बात आती है लंच की। आज घर में मम्मी ने बनाया है अरहर की दाल, आलू की सब्जी और रोटी, तो मैं फिर एक रोटी के साथ में सब्जी और दाल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खा रही हूँ। प्लेट में जितनी दिखाई है पूरी नहीं खाई मैंने। 2 घंटे के बाद जब थोड़ी भूख लगी तो मैंने गाय के दूध के दही से छाछ बना ली है। अच्छे बैक्टीरियाज पेट में ऐड हो जाएंगे, गट अच्छे से फंक्शन करेगा, डाइजेशन अच्छी होगी। देन जब इवनिंग स्नैक का टाइम है तो तब भूख लगती है, तो उस टाइम पर ज़रूर कुछ खाना है। तो मैं खा रही हूँ ड्राई फ्रूट में आज पीनट्स, पीनट्स खा रही हूँ मैं जिससे पेट भर जाएगा। और थोड़ा सा मैं साथ में खा रही हूँ अनार, जिससे कि फ्रूट और मल्टीविटामिंस मिनरल्स मुझे थोड़े एक्स्ट्रा अच्छे से मिल जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स की मेरी बॉडी में कमी नहीं होगी। अब डिनर में मैं मेनली पी रही हूँ टमेटो सूप, अच्छे से सूप पी रही हूँ मैं। और आप चाहें तो पुलाव भी खा सकते हैं, घर में पुलाव क्योंकि बना हुआ है तो मैंने 2-3 चम्मच वो भी साथ में खा लिए हैं। लेकिन कोई एक चीज़ खानी है, जल्दी ज़्यादा वेट लॉस करना है तो सूप पी सकते हैं, वैसे पुलाव भी चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दाल चावल खिचड़ी कुछ भी चलेगा, नॉर्मल इंडियन खाना क्वांटिटी कंट्रोल करके। अब अगले दिन का वेट नॉर्मल आ रहा है 63.48 kg। सो आपको भी 10 दिन में जल्दी से हेल्दी मैनर में न्यूट्रिएंट्स वाला डिटॉक्स वाला क्विक वेट लॉस करना है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब।